यो बॉयज, थैंक यू सो मच का वीडियो बन के। क्या हाल चाल? अगर आप लोगों ने मेरी स्ट्रीम देखे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा नया रूम बन चुका है, गेमिंग रूम, जो कतई आग है, मतलब बहुत सेक्सी है। वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपना दूसरा कमरा भी दिखाने वाला हूँ। ओके, वीडियो शुरू होने से पहले मैं सिर्फ आप लोगों को तीन चार चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो मेरे को घंटा नहीं पता रूम टूर में क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आज तक YouTube पे किसी का भी रूम टूर नहीं देखा, तो मुझे लौड़ा नहीं पता कि क्या करना है। और मैं इतना आलसी हूँ कि मैं YouTube पे सर्च करके नहीं देखने वाला कि रूम टूर में क्या बोलना होता है। और ऑडियो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी अगर टट्टी होती है तो देखो, मैं नोकिया 3310 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, मैं गरीब बच्चा हूँ। सो प्लीज ज्यादा बुरा ना मानना वीडियो और ऑडियो क्वालिटी का भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओके, सो जिस कमरे में अभी खड़ा हूँ, मेरा मेन रूम है, मतलब यहाँ पे मैं पूरा टाइम गुजारता हूँ ऑलमोस्ट, अगर मैं गेम नहीं खेल रहा तो। ओके बॉयज, तो ये मेरा बेडरूम है, और ये दिख रहे तुम्हें, ये वाला, ये देखो, ये हरकतें जो कर रहे हैं ना, ये मेरा प्यारा टर्टल है जो बहुत बकचोदिया करता है। हाँ, सो मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ चूतियों की तरह। हाँ, सो ये मेरा बेडरूम है, और वहाँ में वो यार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा बेड है, यहाँ पे मैं पूरा दिन पड़ा रहता हूँ, मतलब सीरियसली मैं कुछ नहीं करता। इसी बेड पे लेट के मैं आराम से ऐश करता हूँ, कुछ भी नहीं करता भाई मैं पूरी जिंदगी में। और यहाँ पे मेरे डंबल्स पड़े हैं जो मैंने शॉप में ले लिए थे, और मैंने आज तक उनको यूज नहीं किया, दुकान से लेके आए, यहाँ पे रखे, उसके बाद का मैंने इनको छुआ भी नहीं है। और यहाँ पे मेरा मोबाइल है जो मैंने तोड़ दिया था, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, ये मैं यहाँ रखता हूँ इसलिए ताकि मुझे याद रहे कि मैं कितना बड़ा वाला चूतिया हूँ। ओके, सो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक सबसे खास चीज है, मेरी नशे की गोलियां। हाँ, ये मेरे नशे की गोलियां, इसी को मैं फूक के स्ट्रीम करता हूँ, तभी मैं चूतिया हूँ। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठता हूँ, टीवी देखता हूँ, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो मैं अपनी टेढ़ी शक्ल देखता हूँ। ये फोटो मेरी तब खींची गई थी जब मैंने पहली बार फोन को डिस्कवर किया था, यही मेरा रिएक्शन था सेम। और ये फोटो टेढ़ी इसलिए लगी है क्योंकि मैं कौन सा सीधा हूँ यार, टीवी लगना था लेकिन वो उतार दिया, क्योंकि मैं फोन देखता हूँ पकड़ा गया था अपने टीवी पे, एलईडी पे, बहुत बड़ी स्क्रीन पे, और फिर उन्होंने टीवी छीन लिया मेरे से। लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मेरे दो प्यारे लैपटॉप पड़े हैं, दो लैपटॉप मेरे गेमिंग रूम में भी पड़े हैं, बाकी यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पे मैं कभी भी नहीं घुसता, क्योंकि तुमने मेरे को देखा ही है मेरी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे हमारा शीशा है, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि क्यों आऊंगा भाई मैं शीशे के आगे, क्यों भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल नहीं दी ना, क्या फायदा। यहाँ पे मेरे थोड़े और सामान पड़ा हुआ है, हेडफोन्स, कंट्रोलर, माउस, जो मैं कभी भी यूज नहीं करता। और इसके ठीक साथ मेरा वॉशरूम है, यहाँ पे हम लोग नहा जाए तो ज्यादा बेटर है भाई, जहाँ पे जितनी बार भी मेरे अलावा कोई भी अंदर गया है ना, कभी वो वापस नहीं आया जिंदा, तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं। ओके, यही था मेरा छोटा सा रूम। ऐसा मेरे रूम में यार सही बताऊं तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, देखो सिर्फ एक बेड है जो पूरा कमरा घेर के खड़ा है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैं करता भी कुछ नहीं हूँ, सिर्फ सोता रहता हूँ और कुछ भी नहीं। और अभी हम चलते हैं मेरे प्यारे गेमिंग रूम में। ओए कैमरे में भाई, तेरे को कैमरा दिया हुआ है भाई, कुछ तो बोल दे, हेलो, मुंडी तक नहीं दिखा रहा भाई, एटीट्यूड देख रहे हो लोंडे का भाई, एटीट्यूड प्रॉब्लम है लोंडे में। ओके बस, गेमिंग रूम में जाने से पहले तुम्हें एक चीज दिखानी है मेरे को, ये देख रहे हो, ये जो डब्बा पड़ा है ना, मादर चौदह एक नंबर का BSNL का टट्टी नेट है, बहुत गंदा है, ये कभी भी ना लगवाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इससे टट्टी नेट इस दुनिया में कोई नहीं है, BSNL मादर चौदह। ओके सॉरी, मैं भावना में ज्यादा बह गया था, बट प्लीज BSNL कभी ना लगवाना, बहुत गंदी कंपनी है। ये दीवार देख रहे हो, इसी दीवार के साथ ही मेरा दूसरा कमरा है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया, और अब ये वाला है मेरा गेमिंग रूम जो कत्ते शानदार है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने अपनी तीनों किडनियां बेच दी थी, मुझे पता है दो किडनियां होती है लेकिन मैंने तीन किडनियां बेची थी, ये ना पूछना मैं कहां चलाया था थर्ड किडनी। So, इस रूम को, मतलब मैं बता रहा हूँ, इस कमरे को बनाने के लिए ना भाई मेरी गांड घिस गई है, मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत टाइम पैसे सब कुछ वेस्ट हुआ है, लेकिन फाइनली ये रूम तैयार हो चुका है, सही में यार बहुत सेक्सी है, साउंड प्रूफिंग है इसकी, ये जो काली काली चीज देख रहे हो ना, ये सारी साउंड प्रूफिंग है, मतलब मैं जितनी मर्जी जोर से कुत्ते की मौत गालियां दूं ना, लोड़ा किसी को नहीं सुनेगी। और मेरे पेरेंट्स का रूम बिल्कुल ठीक सामने है, उनको एक आवाज नहीं आती मैं जितनी गंदी गाली देता हूँ ना, तो मैं घर के बाहर होता, लेकिन इसने मुझे बचा रखा है। So, ये है साउंड प्रूफिंग। ओके, तो ये है साउंड प्रूफिंग, ये 3D होती है, बाहर निकली हुई है ये, एंड इसकी वजह से साउंड बाहर नहीं जाती। और मेरे कमरे में वैसे ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक चूतिया पांडा बीन बैग पे बैठे हैं जिस पे मैं बैठ के पहले स्ट्रीम करता था, मेरा प्यारा बेड जिस पे मैं आज तक नहीं बैठा, पता नहीं यहाँ क्यों है, और यहाँ पे है मेरा प्यारा सेटअप जो बहुत जुगाड़ से बनाया गया, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, रुको। ओके, तो ये है मेरा प्यारा गेमिंग सेटअप, 100% प्रो स्ट्रीमर का सेटअप, ये 100% जुगाड़ पे है, मतलब इसमें एक ऐसी चीज है जो जुगाड़ पे ना हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी प्यारी $500 करोड़ की गेमिंग चेयर से। ये है मेरी डाइनिंग टेबल की चेयर जो मैंने चुपचाप चुकी हुई है, मेरे पेरेंट्स को घंटा नहीं पता, जैसे उनको पता चल गया मैं घर के बाहर हूँ, तो इसके बारे में हम कम बात ही करेंगे।
यहाँ पे है मेरे तीन टेबल्स, ये तीन टेबल्स है, एक टेबल है ये वाला जो नीचे टेबल है ना, इसके ऊपर मेरे घर पे कैंपर पड़ा होता था जो मैंने चक लिया, ऊपर मेरा स्टडी टेबल है और उससे ऊपर मेरा तीसरा व्हाइट कलर का जो टेबल है ये ऐसी टेबल है, पता नहीं ये कहाँ से आया। तो इन तीनों को मैंने बिछा रखा है, उसके ऊपर मेरा छोटा सा टेबल एक और, ताकि ये गर्म ना हो लैपटॉप मेरा ज्यादा, जो मेरा गेमिंग लैपटॉप है प्रीडेटर हीलियोस 300, और इस पे मैं गेम्स ही खेलता हूँ सिर्फ, और मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ गेम्स खेलता हूँ। दूसरा मेरा लैपटॉप है, इसमें सिर्फ चैट पढ़ता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता 100%। बाकी मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, एक्सटर्नल गेमिंग माउस यूज़ करता हूँ। गेमिंग माउस नाम क्या भाई, 100 रुपये का खरीदा था मैंने, बड़ा टट्टी माउस है ये, कभी ना लेना। बाकी ये मेरा है माइक्रोफोन, BM 800 कंडेंसर माइक्रोफोन है ये, और सोनी के मेरे हेडफोन्स। बाकी उस साइड जाना नहीं है, उधर भसड़ मच गई है तारों की, कोई फ़ायदा नहीं वहाँ जाने का। ये भी वैसे मैं सारी चीज़ों के ना जो जी मतलब मेरे हेडफोन्स या फिर माइक या फिर ये सारी चीज़ों का ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। ज़्यादा मेरे को स्पेक्स में पता नहीं यार इतना, ठीक है। और ये मेरा प्यारा वेबकैम जिसकी वजह से आप लोग मेरी गंदी शक्ल देख सकते हो। बाकी मेरे रूम में ऐसे कुछ है नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या दिखाऊं तुम लोगों को। यहाँ पे एक और चीज़ है जो जुगाड़ से बनाई गई है, यहाँ पे मैं अपनी बोतल रखता हूँ। ये चीज पता है क्या, ये काला काला जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये LED का स्टैंड है। लिटरली मैंने LED का स्टैंड को अपने बोतल स्टैंड बना रखा है, मैं बर्बाद हूँ मुझे पता है। बाकी और कुछ नहीं है ऐसा मेरे कमरे में, यही मेरा कमरा था। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा AC लगा हुआ है, AC की बात ही ना करो साला। भाई मैं बता रहा हूँ, एक हफ्ता लग गया इन मादर चौधों को AC लगाने में, एक हफ्ता बर्बाद। बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत बस यही है मेरे कमरे में, ऐसे कुछ नहीं है। ओके एक ये चीज़ है और है, ये है, इस पे मैं लटकता था बचपन में, मजाक कर रहा हूँ, मेरे को इस घर में आया अभी 2-3 साल भी नहीं हुए। सो ये बस मैंने शौक में लगा दिया था भाई, देखो जैसे मैंने डंबल खरीदे थे शौक में, वैसे मैंने ये भी लगा दिया था शौक में लटकने के लिए। लटकता मैं एक बार, मैंने इसको सीरियसली एक बार यूज़ किया सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी में, जिस दिन ये लगाया था ना मैंने, उसी दिन मैंने यूज़ किया सिर्फ चेक करने के लिए कि ये नीचे तो नहीं गिरेगा, बस उसके बाद मैंने यूज़ करने छोड़ दिया। और बाकी यहाँ पे मेरा प्यारा पांडा, ये मैं एक बार वैसे बता चुका लेकिन क्लोजअप में दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये मेरा बीन बैग, ओके ये मेरा बेड है जिसके ऊपर 2 गद्दे बिछे हुए हैं बहुत मोटे वाले, और उसके ऊपर है मेरा प्यारा बीन बैग, उसके ऊपर है मेरा चूतिया पांडा, यही है मेरे पूरे कमरे में बॉयस। ओके तो मुझे प्लीज बताना कि ये वाला कमरा कैसा लगा, मुझे उससे लोड़ा फर्क नहीं पड़ता, वो तो कच्ची कमरा है ही है, ये वाला मुझे बताना कि कैसा लगा। और जो मैंने इसमें किडनियां बेच के जो रूम बनाया है ना, मुझे प्लीज बताना कि क्या पैसे वेस्ट किए मैंने, मुझे पता मैंने वेस्ट किया, मैं जानता हूँ, बट प्लीज तुम लोग मेरी तारीफ कर देना कि मैंने वेस्ट नहीं किया, प्लीज ये कमेंट कर देना। चलो बस अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच आपका वीडियो पहले के लिए। और प्लीज बताना कि ये रूम टूर कैसा था यार, मैंने आज तक किसी का रूम टूर नहीं देखा, मैं मेरे लिए बिल्कुल नई चीज है, तो प्लीज मुझे ये भी बताना कि कैसा था। चलो बस बाय बाय, थैंक यू सो मच आपका वीडियो पहले के लिए। 69 लाइक्स कर देना इस वीडियो पे, चलो बाय।